नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे संकेत जिनसे ये पता चल सकता है कि आपके घर में वाकई में कोई भूत प्रेत है या कोई आत्मा या कोई अलौकिक शक्तियां। इन संकेतों को आप अगर जान ले तो आप जान पाएंगे कि कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास या कोई आत्मा भूत प्रेत मौजूद है। जिस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत होते हैं, उसी तरह भूत प्रेत आत्माओं के भी कुछ संकेत होते हैं। क्या आपके घर में कुछ ऐसे ही भूत प्रेत या किसी मृतक आत्माओं का वास है या कोई अलौकिक शक्तियों, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। भूत होने का इशारा करेंगी आपको जो मैं संकेत आपको बताऊंगा। अगर वो संकेत कहीं ना कहीं मेल जोल खा रहे हैं तो ये इशारा फिर आपके लिए गलत होगा और सावधान हो जाइए, कुछ अनजान शक्तियों से उनका हाथ भी हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इनकी पहचान कैसे करें। ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये सिर्फ एक जानकारी के लिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अंधविश्वास को बढ़ावा देना या भूत प्रेतों के जरिए किसी को डराना या किसी को उन चीजों के बारे में बताना, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को एक ज्ञान रोचक जानकारी मिले कि भूत प्रेतों का वास कैसे है। जैसे आपके आसपास या आपके घर के आसपास कोई अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही है, जैसे किसी की चलने की आवाज, पायल की और खटखटाने की दरवाजा आवाज या बर्तन गिरने की, तो ये संकेत गलत है। ये संकेत है, हो सकता है कि कहीं कोई अनजान शक्तियों का वास हो सकता है। अचानक से इत्र की खुशबू आ जाना, परफ्यूम की खुशबू आ जाना, घर पे कोई इस्तेमाल नहीं करता है फिर भी ऐसा लग रहा है आपको कि यह खुशबू आई, तो यह समझिए आप कि इसमें कोई ना कोई प्रेत आत्माओं का हाथ हो सकता है और प्रेत आत्मा आपके आसपास से आकर गुजर गई हो। आपके घर में परछाइयों का दिखना, शेडो गिरती है ना, छाव, कोई चीज की परछाई गिरती है तो आपको फिर सावधान होने की जरूरत है कि कोई परछाई आ रही है। अचानक से दरवाजा बंद हो जाना, आप दरवाजा बंद करने जा रहे हो या धीरे से उसको धक्का दिया आपने और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है या खिड़की आपकी जोर से खुल जाती है या दरवाजा आपका अचानक तेजी से धाड़ करके बंद हो जाता है, तो यह भी समझ जाइए कि वहां कोई अदृश्य शक्तियों का वास है। अगर आप इन चीजों को, कुछ चीजें ऐसी जिसको हम खास करके संभाल करते हैं, हमारी कीमती चीजें, फिर भी वो हमें मिलती नहीं है, यहां से वहां पड़ी मिलती है, लॉकर में रखने के बाद भी कहीं बाहर पड़ी हुई मिलती है, तो समझ जाइए ये भी इशारा आपको भूत प्रेतों का संकेत होता है। और ऐसा लगे आपको आपके शरीर के ऊपर कोई बैठा है, आपका गला दबा रहा है या आपके पलंग के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसा चढ़ के बैठा हो या आपको एक आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाए, आपको घबराहट सी महसूस हो, दिल घबराए, आपका पसीना आने लगे, बेचैनी से महसूस हो, उस कमरे में रोशनी होकर भी अंधेरा सा लगे, तो ऐसा लगे तो वाकई में कोई आत्मा आपके पास आकर बैठ गई है। कोई चीज अचानक गायब हो जाना, फिर अचानक सामने आ जाना, आप कितना भी संभाल के रखो फिर भी वो अदृश्य शक्तियां, वो या फिर वो उस अदृश्य शक्ति की कोई चीज हो, वो आपके सामने आ रही हो, गायब हो जा रही हो, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए गायब कर देती है फिर वापस ले आ जाती है, यानी परेशान करती है। अचानक किसी के रोने की आवाज आना, सिसकने की आवाज किसी कमरे के किसी कोने से, तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रोने की आवाज आई और आप जा रहे देखने तो आपके आसपास कोई आ जाए, अच्छा लगा आपको किसी ने छुआ है, आपको एहसास हो रहा है, मगर वहां कोई नहीं है, ये भी एक संकेत है, अदृश्य शक्तियों के संकेत है ये सब। अगर आपके घर में कोई कुत्ता या बिल्ली अजीब तरह से व्यवहार करने लगे, ज्यादा रोने लगे, आवाजें निकालने लगे अजीब और गरीब तरह की, तो भी आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई इशारा ये हमें कर रहे हैं कि हमारे घर में आत्माएं होती है, क्योंकि सबसे पहला आत्माएं कुत्ते और बिल्लियों को ज्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि आत्माएं जो होती है या तो किसी के द्वारा भेजी गई होती है या आत्मा उस घर में पहले से कई हजारों साल से या कई सौ साल से या 10-20 सालों से पहले से मौजूद होती है,
या कोई आत्मा हमारे पीछे आ जाती है, या कोई लग जाती है, या पहले से वहां किसी का वास होता है। आत्माएं भूत प्रेत दो प्रकार की होती है, एक आत्मा अच्छी प्रकार की होती है, एक आत्मा बुरी प्रकार की होती है, जो हमें नुकसान दे सकती है। मगर पवित्र आत्मा जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आने वाली तकलीफों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से बचाने के लिए हमें वो प्रयास करती रहती है, लेकिन बुरी आत्मा हमेशा हमें नुकसान देने की कोशिश करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों का वास है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। जहां तक हो सके आप गूगल की धुनी या लोभान की धुनी आप दे सकते हैं, और हो सके तो उन धुनी के साथ अगर आप हींग का प्रयोग करें, हींग का पाउडर अगर आप उसमें डालकर उसका प्रयोग करें, तो उसकी बदबू से, हींग की बदबू से भूत प्रेत आत्माएं घर से कई कोस दूर भाग जाती है। जी हां, यह है आत्माओं के कुछ लक्षण, कुछ संकेत जो मैंने आपको बताए हैं। आप कोशिश करिए कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा घटित हो रहा है कि आपके घर में कोई बीमार है, इलाज करवा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, उसके बावजूद भी उसकी बीमारी कम नहीं हो रही, वो सूखते जा रहा है, परेशान सा है, तो कोशिश करिए कि इस लक्षणों को जानने की कहीं ना कहीं हमारे घर में बुरी आत्माओं का, अलौकिक शक्तियों का या पित्त आत्माओं का कहीं ना कहीं वास मौजूद है, कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास मौजूद है। बस यही कोशिश करिए कि अगर वो मुस्लिम तरीके से है तो आप घर में आप चारों कुल पढ़ सकते हैं, ऐतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, दरुद शरीफ पढ़ सकते हैं, और अगर हिंदू तरीके से है तो आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या आप घर में गूगल की धुनी दे सकते हैं, मुस्लिम तरीके से लोभान की धुनी दे सकते हैं, अगर हम उसमें हींग डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे हमारे घर की बुरी आत्माएं दूर भाग जाती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने की, आप लोगों के सामने ऐसे वीडियो लाता रहूंगा ताकि कुछ बातें आपको भी समझ में आ जाए कि तंत्र मंत्र और यंत्र क्या कहता है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।